जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में जम्मू कश्मीर में भाजपा और कांग्रेस एनसी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ना तो हमने उनसे कोई समर्थन मांगा है और ना ही हमें कोई समर्थन मिल रहा है। पता नहीं लोग इतने बेचैन क्यों है, रिजल्ट आने दीजिए और अभी हमें उनके समर्थन की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें। जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा, जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुकुमरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें वही है। कोलिशन पर